हाय एवरीवन, सो आज इस छोटे से वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि अभी हाल ही में लास्ट ईयर न्यूज में था और वो आपके एनवायरमेंट में काफी काम आ सकता है, बी इट एनी एग्जामिनेशन। सो इससे पहले इस वीडियो को जाके जल्दी से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रिगार्डिंग अ टर्म। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे कुछ ऐसा टर्म यूनिक पूछ लेते हैं जो कि रिसेंटली कॉइन हुआ हो, जैसे रेस टू जीरो, नेट जीरो एमिशन, कार्बन न्यूट्रैलिटी। वैसे ही एक टर्म अभी हाल ही में न्यूज में था जिसका नाम है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या है? इट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, ए बी एंड सी। ए मतलब एयर पोल्यूशन, बी से बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सी से क्लाइमेट चेंज। मतलब ये तीन चीजें अभी ऐसी हैं जो हमारे प्लैनेट के लिए काफी खतरनाक हैं और हमारे प्लैनेट में एक क्राइसिस टाइप सिचुएशन अराइज कर रही है, बी इट इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, हैवी यू नो द लेवल्स ऑफ PM 2.5, PM 10, वाइल्ड फायर्स जो लग रहे हैं उनके कारण पोल्यूशन, या बी इट क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, राइट, ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसको हम जैव विविधता का कम होना बोलते हैं। सो ए बी सी याद रखिएगा। अब ये दिया किसने था? ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस टर्म दिया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस थिंग केम इन 1992, आपको पता ही होगा, अर्थ समिट में। और इसके बारे में बहुत ज्यादा भी डिस्कशन हुआ था। एक रिपोर्ट रिसेंटली जो कि रिलीज करी थी, द न्यू फ्रंटियर्स रिपोर्ट, इसमें इस रिपोर्ट में इन क्राइसिस को या इनसे जुड़ी चीजों को हाईलाइट किया गया था। और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1972 में बनी थी। तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जामिनेशन में। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, लाइक UNEP का हेडक्वार्टर है केनिया में, UNFCCC की कॉप्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, लाइक पेरिस, क्योटो, ऑल दीज थिंग्स आर द कॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर UNFCCC। सो दिस ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल नाउ रिमेंबर, और अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसको याद रखोगे। एंड येस, सो आई विल बी बैक विथ मोर सच शॉर्ट वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशनल सेशंस। ऐसे ही सारे वीडियोज अटेंड करिएगा, जरूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन आने वाला है। बहुत कम दिन बचे हैं, हम आपके साथ हैं, आई एम देयर विथ यू, वी ऑल आर इन फैक्ट देयर विथ यू। सो बस घबराइए मत और तैयारी जारी रखिए, राइट? सो थैंक यू सो मच, आई विल बी बैक अगेन। दिस इज तोशुभा शुक्ला, योर पीपल वन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप। सी यू।